ओम 60 सृजन अर्थात सृष्टि न्यास का सबसे पहला कारण। ओम 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 सृजन कार्य अर्थात सृष्टि का न्यास क्या है, क्यों है। आज मनुष्य अर्थात जितने मानव प्राणी हैं उनके पास सब साधन परिपूर्ण होते हुए भी विक्षिप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। इस कारण को सभी लोगों को जानना चाहिए, खास करके उनको ज़्यादा जानना चाहिए जो जानने की जिज्ञासा में नहीं है, और उनको कम जानना चाहिए जो जाने की जिज्ञासा में, अर्थात जिनके अंदर जाने की जिज्ञासा जग चुकी है वो जान चुके हैं। जिज्ञासा ही सबसे प्रथम और सिद्धांत है जो हम सृष्टि को जानने के, जिस दिन हमारा प्रारब्ध संस्कार जो है प्रारंभ होता है कि मैं कुछ ईश्वर के बारे में, अपने बारे में मैं कौन हूँ जानूं, उसी दिन वो जान चुका होता है। इसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रमाणित किया जा चुका है। सारे जितने भी संसार के अंदर में संत, ऋषि, महर्षि, साधक, योगी, यति, सन्यासी, बैरागी जितने भी हुए हैं, सभी लोगों के पास, सभी लोगों के हृदय में एक भावना जगी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर। इन शब्दों से वो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। प्रथम समर्पण का भाव ही जानने की प्रक्रिया को पूर्णता की तरफ उद्दत करती है, शो करती है, तो दिखाती है, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? वेदों में भी आया, यद अंतरम तद वाह्यम, यद वाह्यम तद अंतरम। अगर पानी का मटका भरा हुआ जल में रख दीजिए पहले ही ले जा करके तो डूब जाएगा। पानी का घड़ा पहले ही बाहर भर करके पानी में डालिए तो वो डूब जाएगा, लेकिन खाली घड़ा उसमें नहीं डूब सकता, वो तैरता हुआ नजर आएगा। आप कितना भी प्रयास करके देख लें, और अगर वो खाली घड़ा अगर पानी से भर गया तो फिर वो ऐसा डूबेगा कि वो आपको मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य का योनि, जन्म, संस्कार और ये सृष्टि है। आज बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि हमारे बीच लोगों को नाना प्रकार से उन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं, नए नए शीर्षक दे करके, आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग ऑफ आर्ट, जीवन कला, भौतिक भोग की परिपूर्णता की तरफ लेते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं है कि आज हम जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब ऊपर से डालने की वस्तु है। ज्ञान अंदर से ज्ञान आविर्भाव नहीं होता है, तो अंदर से ज्ञान कैसे आविर्भाव होगा? अंदर से आपके अंदर में ज्ञान की जागरूकता कैसे होगी? इसके लिए अपने संपूर्ण इच्छाओं को मार करके, और ज्ञान की 7 सीढ़ी है, एक एक करके आपको उसके ऊपर में उठना पड़ेगा। उन 7 सीढ़ियों का बहुत डिस्टेंस नहीं है, उन 7 सीढ़ियों का बहुत डिस्टेंस नहीं है, बहुत दूरियां नहीं है कि हम उस पर नहीं चढ़ सकते हैं। केवल पांव से लेकर के मस्तिष्क तक के इसको तय करने के बाद ज्ञान की 7 प्रकाष्ठाएं को पार किया जा सकता है। पहला है नेत्र को बंद कर करके शुभ इच्छा। आपकी इच्छा जो है शुभ होनी चाहिए किसी के प्रति, ऐसा ना हो
कि वो ऐसा है वैसा है। सभी संतों ने भी पहले ही ये कह चुका है, वो बोल चुके हैं कि जाहि इच्छा धरहूँ मन माही, हरि इच्छा कछु दुर्लभ नाही। कबीर ने भी कहीं कहीं बहुत अच्छे चलते चलते शब्द बोल दिए जो उनके शिष्यों ने लिख लिया कि धर धरती का एक ही लेखा, जस भीतर तस बाहर देखा। एक गर्भ ज्ञान में आता है, गर्भ ज्ञान क्या है, पुनर्जन्म क्या है, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। पुनर्जन्म को जानना बहुत ही जरूरी है, बाकी संसार का कोई काम करें या ना करें। पुनर्जन्म को जानना इसलिए है कि ये मनुष्य के शरीर छोड़ करके फिर आप किस जोनी में आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है, ये पता चल जाता है। अगर पूरे सृष्टि के लोगों को इस बात से अवगत कराना हो तो क्या करेंगे, वही करेंगे, बिंदु नाद अनुसंधान। ये बिंदु क्या है, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, बिंदु के नीचे है नाद, उसके नीचे है ब्रह्म, उसके नीचे है माया, उसके नीचे है जीव। नीचे अगर जीव भाव से शरीर में आप भ्रमण कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि बीच आपके ऊपर माया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप माया के पर्दा को बिल्कुल फाड़ सकते हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि माया तड़प रही है। फिर कहाँ जाएंगे, ब्रह्म में जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मिन का बोध होगा। एको अहम द्वितीय नास्ति, अयम आत्मब्रह्म तत्त्वम असि। फिर नीचे से आप जीव भाव को तजने के बाद ब्रह्म भाव में आकर के तत्त्वम असि, आप ऐसे हो, हे प्रभु आप ऐसे हो। लेकिन जब तक ये तत्त्वम असि की भावना अंदर से जागरूक नहीं होती है तब तक अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृत, अहंकार में आप बौखलाते रह जाएंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर करते रह जाएंगे, परमात्मा को नहीं जान सकते। यही आज कलयुग में, मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं हूँ ये मैं जान रहा है, मैं हूँ वो मैं जान रहा है। इसके लिए अंतर्मुखी ध्यानम अंतर्मुखी ज्ञानम, वेद की परिपूर्णता यहाँ पर हो जाती है कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा अंदर है। आज नाना प्रकार से लोग ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में लगे हैं, लेकिन उस प्रकाष्ठा को पार नहीं कर रहे हैं कि वो प्रकाष्ठा है दिव्य। आज मैं हमारे सामने खड़े हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इनके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ जो मेरे सामने खड़े हैं, जिनके शरीर का नाम है अमित। इसका भी बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है और है भी कि अमित जो सबका अत्यंत प्रिय हो, वही उन्हें भगवान अमित हैं, आशुतोष हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि मैं अपने को ना जान करके सामने वाले को जान रहा हूँ, वही है ईश्वर का बोध, वही है ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने किसी बड़े बहुत बड़े विद्वान संतों से, ऋषियों से, महर्षियों से पूछना चाहा था, लेकिन उन्होंने पूछा बाबा आप ये बताओ कि ईश्वर का बायोडाटा क्या है। मैं बोला ये तो मैं खंगाल लिया हूँ, बायोडाटा क्या है, कहने की मुझे भी बता दीजिए। लेकिन मैं कैसे बता सकता हूँ आपको उनका बायोडाटा क्या है, तो क्यों, लेकिन आपको मेरे साथ मेरी तरह होना पड़ेगा। तब गुम हो गए, वो शांति लगा लिए, शांत से चुप बैठ गए कि हम आपके तरफ कैसे कैसे होंगे। लेकिन कुछ नहीं, हम आगे आगे चलते हैं, पद चिन्हों पर पैर रख करके देख करके चलिए, जरा सा ही मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा पैर बड़ा है कि छोटा है इसको देखना पड़ेगा, और वो यही है कि बायोडाटा परमात्मा का है जो सभी संतो ऋषियों ने दे चुका है रामायण में, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म कराए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी। वो तो नित्य प्रतिदिन हर पल हर क्षण बोल रहे हैं, सुनने की केवल प्रक्रिया में आप नहीं हैं, उनको जानने की प्रक्रिया में नहीं है। जो तुम्हें जाने तुम्हें होई जाए, कहाँ लगी करूँ हम नाम बराई। आज मेरे सामने जो खड़े हैं वो हमसे थोड़ी दूर पे हैं, लेकिन दूर पे शरीर है, उनकी आत्मा में वही भावना उठ रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो जान रहे हैं, और वो जानना चाहते वही मैं बोल रहा हूँ। बस
यही है कि जो ईश्वर चाहता है वही आप कीजिए, और जो आप कर रहे हैं वही ईश्वर को पसंद आ जाए, फिर दोनों में कोई मतभेद ही नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ चंद समय में ही आप लोगों को वो रास्ता, वो मार्ग दिखाना चाहता हूँ कि भोग जोनी में, लिविंग ऑफ आर्ट्स में और आर्ट्स ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा भेद है। शून्य के ऊपर में, कि शून्य क्या है, इसके ऊपर बहुत लोग बोल चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन शून्य के अंदर का बोल चुके हैं, शून्य के बाहर का नहीं बोल चुके हैं। शून्य के बाहर का भी जानकारी होना चाहिए कि शून्य के आखिर बाहर क्या है। चित्तजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा, इसके बाहर क्या है, पंच तत्व की रचनाएं किसने की, वो परम सत्ता कौन है, परमेश्वर कौन है, वो कौन है जो मनुष्य के अंदर अपने को स्थापित करके सद्बुद्धि भी दे रहा है, विवेक भी दे रहे हैं, चेतना रूप में भी स्थापित हो रहे हैं, दिव्य स्वरूप भी प्राप्त हो रहे हैं और निश्चेतन भी हैं। हरिओम तत्व दर्शनम।